अगले हफ्ते तीन बड़े शोज में तीन बड़े धमाके होने वाले हैं। ये तीन बड़े शोज है बैरिस्टर बाबू, उडारिया और नमक इश्क का। तो चलिए अब देर ना करते हुए आपको बताते हैं कि आखिर इन शोज में क्या होगा। सबसे पहले बात करेंगे नमक इश्क के बारे में। नमक इश्क में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सत्या की असलियत सबके सामने आ गई है। सत्या ने सरोज को जेल भिजवाया ये कहकर कि सरोज ने उसके ऊपर हमला किया, उसे मारा। लेकिन अब वीडियो में साफ दिख रहा है कि सत्या ने खुद अपने आप को मारा और फिर उसने सरोज को फंसा दिया है। युग ने कसम खाई है अपनी माँ की कि वो अब कहानी से बदला लेकर रहेगा, उसे समझा कर रहेगा कि उसने जो किया है गलत किया है। उससे जितना प्यार करता था उतना ही अब नफरत भी करेगा। वाला आपको बताते चले कि अब जो है शो में युग ने माँ की कसम खाई है और इधर कहानी को सही राह दिखाने के लिए युग का अब बिल्कुल अलग ही चेहरा देखने वाले हैं। इधर कहानी जो है, जो असली कहानी है, वो बेसमेंट में ही बंद है, वो बाहर नहीं निकल पा रही है। कोशिश तो जरूर कर रही है लेकिन बड़की दीदी के आगे उसकी कोशिशें फेल है। इधर शो में आपको बता दे कि युग जो है वो सत्या से कह रहा है कि माँ के पैरों पर गिरकर तुम माफी मांगो, जो तुमने किया है वो माफी लायक नहीं है। क्योंकि वीडियो तो युग ने भी देख लिया है कि कैसे सत्या ने अपने ऊपर बोतल फोड़ा और इल्जाम सरोज के ऊपर लगा दिया है। देखना दिलचस्प होता है कि शो में अब आगे कौन सा नया ट्विस्ट आता है। वेल, ये तो बात हुई नमक इश्क की। अब बात करते हैं सीरियल बैरिस्टर बाबू की। बैरिस्टर बाबू में जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि वैजंती जो है वो किसी भी हद में ये चाहती है कि अनिरुद्ध के दिल और दिमाग में बोंदिता की बात आए, बोंदिता ही वो बात कहे, बोंदिता के बारे में वो क्या सोचता है ये बोले। लेकिन यहाँ अनिरुद्ध जो है वैजंती से काफ़ी चिढ़ चुका है, उसे रूम में भी बंद कर दिया है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वैजंती जो है वो अनिरुद्ध से किसी न किसी बहाने से मिलते रहेगी, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वो अनिरुद्ध से नहीं मिलेगी तो अनिरुद्ध के ज़िंदगी में वो मिठास नहीं ला पाएगी। इधर जो है प्रतियोगिता की तैयारी भी चलेगी। जी हाँ, जो तलवारबाजी की वार्षिक प्रतियोगिता होने वाली है उसमें उसकी तैयारी होते हुए आप देखेंगे। इधर चंद्रचूड़ जो है वो बोंदिता से शादी करने के लिए सारी हदें पार करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आपको बता दें कि अपकमिंग एपिसोड में आपको एक शादी का ट्विस्ट भी देखने को मिलने वाला है। वेल, ये तो हुई बैरिस्टर बाबू की बात। अब बात करते हैं उडारिया की। उडारिया का आने वाला हफ्ता बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि इसी हफ्ते में आप देखेंगे कि कैसे जैस्मीन जो है एक बार फिर से फतेह के नज़दीक आएगी। जैस्मीन खुद की जान लेने की कोशिश करेगी, खुद के हाथ की उंगली काटेगी जिस हाथ में उसे रिंग पहनना है गिप्पी का। अभी सगाई जो है वो टूटने वाली है। आपको बता दें कि सगाई के दिन जो तमाशा होगा उस तमाशे ने सबको शॉक्ड कर देना है। ऐसे में फतेह भी किसी की नहीं सोचेगा, वो जैस्मीन को गोद में उठाकर भागेगा। यहाँ तेजो जो अभी फतेह के सपने देख ही रही थी उसका सपना चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि फतेह अभी मूव ऑन नहीं किया है। ये बात तेजो अपने आंखों से देख लेगी। देखना दिलचस्प ये होता है कि अब तेजो क्या आगे अपना फैसला लेती है, क्योंकि अभी तक तो तेजो इस भ्रम में थी कि फतेह उससे प्यार करने लगा है। वेल, जो भी होगा उसकी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही।